नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन डिजिटलिस्ट के बारे में, उसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के कुछ पिक्यूलियर, कुछ रेडलाइन सिम्टम्स के बारे में, जिनके बिहाफ पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को अच्छे से जान पाए और अच्छे से समझ पाए। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं डिजिटलिस्ट परपेरा के बारे में। डिजिटलिस्ट चीफली एक हार्ट रेमेडी है। यह हृदय की बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स जो इस प्रकार हैं, डिजिटलिस्ट के पेशेंट को ऐसा लगता है कि वह थोड़ा बहुत भी मूव करेगा, थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करेगा तो उसका दिल जो है उस धड़कना बंद हो जाएगा, उसका हार्ट वर्क करना बंद कर देगा। इस प्रकार का डर उसको बना रहता है। यह एक पिक्यूलियर सिम्टम है डिजिटलिस्ट मेडिसिन का। दूसरा जो सिम्टम है वो है हार्ट की रेट पर या उसकी पल्स रेट पर पेशेंट की हार्ट रेट जो है वो धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। साथ ही साथ वह इरेगुलर और इंटरमिटेंट चलती है, रुक रुक कर चलती है। इस प्रकार की अगर पल्स देखने को मिल रही है तो ऐसी कंडीशन में भी डिजिटलिस्ट मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि विशेषकर थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ बीट मिसिंग हो रही हो, यानी कि धड़कन की जो काउंटिंग है अगर प्रैक्टिशनर करेगा तो तीसरी, पांचवी और सातवीं बीट अगर मिस हो रही है तो ऐसी कंडीशन में डिजिटलिस्ट मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि लीवर बढ़ गया है, यानी कि हेपेटोमेगेली की कंडीशन है और उस वजह से उनको लीवर वाले एरिया में, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में उनको अगर पेन हो रहा है, साथ ही साथ में जो है उनकी हिस्ट्री रही है कि वो अल्कोहलिक्स थे, यानी कि वो ड्रिंक रेगुलर करते थे, अल्कोहल रेगुलर लेते थे और उसकी अल्कोहल की हैबिट है, और उनका स्टूल का जो कलर है, लैटिन का जो कलर है वो वाइट पेस्टी कलर आ रहा है, सफ़ेद कलर का पेस्ट जैसा कलर अगर स्टूल का पास हो रहा है, इस प्रकार का कैरेक्टर है, तो भी डिजिटलिस्ट मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। ये जो अल्कोहल लेने की आदत है यह उसकी किडनी को भी अफेक्ट करती है, यानी गुर्दे में भी प्रभाव डालती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि फ्रिक्वेंटली बर्निंग मिक्चुरेशन, यानी पेशाब में जलन हो रही हो, पेशाब में इन्फेक्शन की समस्या बनी रह रही हो, पेशाब थोड़ा थोड़ा आता हो, रुक रुक कर आता हो, इस प्रकार की कंप्लेंट्स भी देखने को मिल रही है, तो भी डिजिटलिस्ट मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी स्किन नीली पड़ जाती हो, साइनोज्ड हो जाती हो, यानी कि खून की सप्लाई बाधित हो रही है और खून प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रही है कोशिकाओं तक, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का चेहरा नीला पड़ जाता है, होंठ नीले पड़ जाते हैं, पलकें, नाखून, जीभ, यहाँ तक कि दूसरे बॉडी पार्ट्स भी अगर नीले पड़ जाते हो, साइनोज्ड हो जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में भी डिजिटलिस्ट मेडिसिन मदद कर सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको खाने की गंध से ही उल्टी होने लगती है, खाने की गंध आने से ही अगर नौजिया होने लगता है, उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में भी डिजिटलिस्ट मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि सांस लेने में तकलीफ होती हो, यानी कि उनको डिस्निया की समस्या हो और डीप ब्रेथ लेनी पड़ती हो, उनको सांस को खींचना पड़ता हो, काफ़ी गहरी सांसें लेनी पड़ती हो सांस को लेने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी डिजिटलिस्ट मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। ओवरऑल मोडेलिटीज़ की अगर बात करें तो डिजिटलिस्ट के पेशेंट को सीधा बैठने में, अगर वह इरेक्ट कंडीशन में यानी एकदम सीधा कंडीशन में बैठते हैं तो उनको सिम्टम्स में अग्रवेशन देखने को मिलता है। खाना खाने के बाद में उनको सिम्टम्स में अग्रवेशन हो जाता है, या कहीं पर म्यूजिक चल रहा है आसपास में तो उस म्यूजिक की आवाज़ से भी उनको सिम्टम्स में अग्रवेशन देखने को, यानी कि तकलीफ बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट्स को अमिलियोरेशन ऐसी ऐसी कंडीशंस में मिलता है कि जैसे वो खाना नहीं खाएंगे, पेट खाली रहेगा, तब उनको लक्षणों में आराम मिलेगा, या खुली हवा में जाने से उनको लक्षणों में कुछ देर के लिए आराम लगेगा। ये थी इन्फॉर्मेशन डिजिटलिस्ट परपेरा के बारे में। उसके गाइडिंग सिम्टम्स थे, उसके कुछ रेडलाइन सिम्टम्स थे जिनके बिहाफ पर आप इस मेडिसिन को अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।